हेलो फैमिली, क्या आप देख रहे हैं 4BHK अपार्टमेंट वाकड़ लोकेशन में? तो प्लीज कम आ जाइए, आइए। 4BHK अपार्टमेंट दिखाने वाला हूं, अच्छी खासी सैंपल फ्लैट का टूर देने वाला हूं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये डोर, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से समझ में नहीं आएगा तो आपको साइट पे आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, वरुण कुमार गुप्ता आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। जैसे आप फ्लैट के अंदर आते हो आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिलता है इंटीरियर करने के लिए। आप देख सकते हैं ये है आपके फ्लैट की पैसेज एरिया, आप इसको बोल लो फॉयर एरिया, आपके फ्लैट की लॉबी बोल लो, फ्लैट के अंदर की लॉबी, इतना अच्छा खासा स्पेस है। तो इस तरीके से आप बहुत, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना अच्छे तरीके से आप इंटीरियर कर सकते हैं। अब मैं इसकी प्लान की बात करूं, इसका साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। लोकेशन इसका होने वाला है वाकड़ लोकेशन, पुणे का वाकड़ लोकेशन एक बेहतरीन लोकेशन है। और ये है आपकी लिविंग, सिर्फ और सिर्फ लिविंग स्पेस। अब जैसे जहां पे खड़े हो ना वहां से ये लिविंग आपको पूरी दिख रही होगी, जहां पे आपके सोफा लगाए गए हैं, दो आपके इस साइड में सोफा लगाए गए हैं, सेंटर टेबल आ जा रही है, इस साइड में आपका एक काइंड ऑफ सीटिंग के लिए व्यवस्था की गई है। अब मैं बताऊं आपको टेलीविजन यूनिट कहां पे लगानी है, आप सामने लगा सकते हो, इस साइड में पॉइंट है, इस साइड में बना सकते हो, तीनों साइड में आपके पास ऑप्शन है, बट सामने ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर आपको इस फ्लैट का इंटीरियर करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छे इंटीरियर वाले से कंसल्ट करना नहीं है कोई, तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको इंटीरियर वाले से कंसल्ट कराऊंगा। ये है आपकी लिविंग स्पेस। अब इसका फ्लोर प्लान बेटर कैसा लग रहा है मेरे को, एल शेप में आपको लिविंग एंड डाइनिंग मिल रही है आपकी, तो जस्ट यहां तक आपकी लिविंग आ गई। ये है आपकी डाइनिंग स्पेस, ये है आपकी डाइनिंग स्पेस। ऑलरेडी 6 लोगों की डाइनिंग चेयर्स लगाए गए हैं, डाइनिंग टेबल है, चेयर लगाए गए हैं, कटलरी प्लेट सारी चीजें लगाई गई है, ठीक है। तो यहां पे आ रही है आपकी डाइनिंग स्पेस, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट, मुझे बढ़िया लग रहा है। यूनिक तो नहीं कहूंगा हाँ, लेकिन ये प्लान मुझे वैसा लग रहा है जो मैं चाहता हूं। आप जैसे एंटर किए आपको मिल गई लॉबी, अच्छी खासी स्पेस, लिविंग मिली, डाइनिंग मिली। अब मैं दिखाता हूं, आपने जैसे एंटर किया था ना, प्लीज आप इंटर किए, आपको राइट हैंड साइड में एक बेडरूम मिल जा रही है। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूं 4BHK अपार्टमेंट वाकड़ लोकेशन में, एक अलग तरीके का पेमेंट प्लान इनका, एक अच्छा खासा जो कि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। आपको सिर्फ 3.5% आपको इनिशियल पेमेंट करने हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिए गए, आपको जाकर कॉल कर सकते हैं। यह आपका फर्स्ट बेडरूम, साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, बट साइज के लिए तो नहीं हूं, बट मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फर्स्ट बेडरूम में बेड लगाते हो, ये चीजें लगाते हो, या आप राइट हैंड साइड में आप वार्डरोब लगाते हो, तो आपको स्पेस कितना बच रहा है। ये ऑलमोस्ट 2 फीट की डेप्थ है इसकी, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं कि इतनी अच्छी खासी आपको साइज की मैनेजमेंट की गई है। बेड आपकी किंग साइज है, वार्डरोब बड़ी सी लगाई गई है, यूनिट्स लगाए गए इंटीरियर पर्पज से, ठीक है। और इसके इसकी जो भी साइज है मैं आपको स्क्रीन पे दूंगा, आपको इसकी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल करें। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम, प्लीज कम। अटैच वॉशरूम में आप जैसे आ रहे हो तो पहले आपको आ रही है आपकी वॉश बेसिन अमेरिकन स्टैंडर्ड की फिटिंग्स के साथ, और आपका जो ये आपकी टैब है ये आपकी ग्रोहे ब्रांड की है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ग्रोहे एक अच्छी खासी क्वालिटी है, जगुआर से ऊपर की ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड अमेरिकन स्टैंडर्ड की, और यहाँ पे आ रही है आपकी शावर एरिया विद ग्लास पार्टीशन। मैंने अपने सारे वीडियोज में बताया कि अगर आप ग्लास पार्टीशन देख रहे हो शावर सेक्शन में, तो आपका शावर सेक्शन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और अच्छी खासी साइज है। स्क्रीन पे मैं साइज देने वाला हूं, बट आपको आके देखना चाहिए कि ये प्लान मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है। पुणे लोकेशन, बेसिकली ये है आपकी एक रनिंग बालकनी, ठीक है। प्लीज आप एक बार जाकर इसका एक व्यू दिखाएं, कैसा आपकी बालकनी आने वाली है। बेसिकली आपका ये जो बालकनी है ये कनेक्टेड है आपका फर्स्ट बेडरूम से। साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप आते हैं ये आप यहां से कंसिडर कर सकते हो इस बेडरूम की बालकनी, ठीक है। और ये है आपकी रनिंग बालकनी जो आपकी कनेक्टेड है लिविंग से भी। ऑलरेडी मैंने आपको लिविंग दिखाया है, तो आपकी जो बालकनी होगी, प्लीज आप इधर फोकस करें, तो ये आप एक बार पूरा दिखा दे प्लीज हमारे व्यूवर्स को, यहां से लेकर ये सारा स्पेस और ये स्पेस, तो दोनों बालकनी मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है। रनिंग बालकनी और आपकी जो फर्स्ट बेडरूम के साथ जो बालकनी आ रही है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सीरियसली बताऊं, वाकड़ के वाकड़ लोकेशन में क्वालिटी वाइज जो मैं आपको 4BHK के अपार्टमेंट दिखा रहा हूं, बहुत सारे मैंने दिखाए होंगे आपको कि हाँ ग्लास पार्टीशन है, यू नो स्लाइडिंग डोर्स है, बट सीरियसली ये आपको आके देखना चाहिए, ये है आपको देखना चाहिए। अगर आप 4BHK के अपार्टमेंट पुणे लोकेशन में देख रहे हो, एक प्रीमियम सा अपार्टमेंट सिर्फ 1,72,00,000 रुपए में, तो आपको ये फ्लैट देखना चाहिए। और कारपेट की क्या बात करूं, 1,550 स्क्वायर फीट का कारपेट है, 1,550 स्क्वायर फीट का कारपेट। अब मैं दिखाता हूं आपका किचन स्पेस, प्लीज कम। बेसिकली जब भी आप आ रहे हैं ना, तो एक फील होता है कि आपने
प्लीजेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए। मैं किचन दिखा रहा हूँ आपको, मेरे को अंदर से ना एक बहुत ही प्लीजेंट ये लग रहा है कि हाँ चल रहा है। ये मैं आपको बताऊँ, अच्छी खासी प्लेटफॉर्म आपको मिल जा रही है, प्लेटफॉर्म की चौड़ाई अच्छी है, प्लान बहुत अच्छा किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं क्लोज कैबिनेट्स लगाए गए हैं, ऊपर क्लोज कैबिनेट्स लगाए गए हैं। इस साइड में यू नो किचन यूटेंसिल्स आजकल काफी ज्यादा आ गए हैं। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको इंटीरियर करके दिखाया गया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। ये स्पेस का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, आपकी लगा सकते हो रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपका ड्राई बालकनी। ड्राई बालकनी में जाने से पहले मैं बताऊंगा इसकी क्वालिटी प्लीज आके चेक करो। मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ यहाँ के फ्लोर प्लान से और इसकी जो भी फिटिंग्स दी गई है। प्लीज कम, ये है आपकी ड्राई बालकनी। बेसिकली इसको हम बोल लेते हैं यूटिलिटी सेक्शन। साइज आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको मैं साइज देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको आगे टैप्स पॉइंट्स आ रहे हैं, आपकी आ जाएगी वॉशिंग मशीन, आपके क्लॉथ हैंगर, और यहाँ पे हम रखते हैं किचन के वो क्लीनिंग के सामान या घर के वो क्लीनिंग के सामान जो क्लीन करने में यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप लाके रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ड्राई बालकनी उसी के लिए दिया जाता है, या तो आप चीजें कपड़े धो रहे हो तो वहां पे सुखा लो। अब देखो प्लान कैसा था आपको, मैंने फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया आपको, मैंने किचन दिखा दिया, लिविंग डाइनिंग दिखा दिया आपको, मैंने बालकनी दिखा दी, रनिंग बालकनी। यहाँ पे कैसा, नहीं आपका सेकंड बेडरूम हो रहा है। कॉन्सेप्ट वाइज बताऊं तो बहुत अच्छा किया इन्होंने यहाँ पे। आप कहीं पे भी देख रहे हो ये इंटीरियर किया हुआ है, बट आपको मिलने वाला है वॉल। बट अगर आपको कहीं पे भी ऐसी इंटीरियर आपको दिखे तो वो सॉफ्ट वॉल होती है। ये डेवलपर बताना चाहते हैं कि आप इसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है आपकी सॉफ्ट वॉल। 4 BHK अपार्टमेंट है, आपके घर के में फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंगली इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप बना सकते हो एक मीटिंग रूम। आप अगर जॉब कर रहे हो IT सेक्टर में यू नो, तो आप उस काइंड ऑफ कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट बना सकते हो। बट हाँ, ये चीजें जो है ना बहुत ज्यादा प्रभावित करती है आपको। सॉफ्ट वॉल मिल रहे हैं इंटीरियर करने के लिए या आपके इंटरनल चेंजेस करने के लिए, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती हैं सॉफ्ट वॉल्स। ठीक है, तो साइज की बात करूं, साइज अच्छी खासी दी गई है। साइज ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो 10x11.3 की साइज है। बट आप देख लो यहाँ पे सोफा लगाए गए हैं, सेंटर टेबल सामने टेलीविजन के लिए है, एक सीटिंग इस साइड में है, एक सीटिंग इस साइड में है, और इसका एलिवेशन कितना प्यारा बनने वाला है। आप देख रहे हैं ये फुल लेंथ में आपकी ग्लास फसाड है, आपकी काइंड ऑफ ग्लास फसाड का आपको फीलिंग आने वाला है। जो बाहर से आउटर एलिवेशन से कोई देखेगा उसको प्रीमियम जो कमर्शियल बिल्डिंग लगती है ना, वैसी लगने वाली है। ये तो आपका कैसा है, एक डोर काइंड ऑफ दिया गया है। ठीक है, और ग्लासेस इतने प्रीमियम है कि आपकी 80-90% बाहर की साउंड को अंदर नहीं आएगी, और बाहर से दिखने में भी अच्छी दिखेगी। मैं आपको अपने थंबनेल में ऐसी आपको एक एलिवेशन दिखाऊंगा, ठीक है, जो बाहर से कैसी दिखती है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज कम, जस्ट आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कुछ भी स्पीच नहीं है मेरा, बट हाँ जो मिल रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉश बेसिन मिल रही है, काफी अच्छी चीज हो जा रही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड की मिल रही है। टैब्स आपको मिल रही है ग्रोहे की, आप खुद जाके आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि ग्रोहे कैसी ब्रांड है। ठीक है, प्लीज कम। इसके साथ आपको एक मिल रहा है, आप इसको कह लो कॉमन वॉशरूम, ठीक है, या पाउडर रूम कह लो। यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड, और इस सेक्शन में आ रही है आपकी शावर एरिया। ठीक है, अब आपको बाहर ऑलरेडी वॉश बेसिन मिल गया है। इसकी साइज अगर मैं बात करूं तो 4.11x4 की साइज है, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये है आपका थर्ड बेडरूम, प्लीज कम, ये है आपका थर्ड बेडरूम। जस्ट आप वीडियो के माध्यम से ना एक टूर लो बेडरूम की, आप जहां पे आपको दिखेगी आपकी बेड, आपकी वार्डरोब, आपके यहाँ एक चेयर लगाए गए हैं, ये सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से दिखेगी, मैं भी दिखूंगा, और आप एक आइडिया लगाओ कि आप साइज कैसी है। क्योंकि क्या है ना, न्यूमेरिक में मैं कुछ भी दे दूंगा आपको, 10x15, 15x20, लेकिन कैसा है, घर की प्लानिंग आपको करनी है, घर के मालिक आप हो, आपने बेड लगाने के बाद कितनी साइज बचनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइज तो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं दूंगा, उसका कोई मसला है नहीं, बट ये सारी चीजें लगाने के बाद इतना खासा आपको स्पेस बच जाता है। यहाँ पे बेड आ गए, यहाँ पे आपको चेयर आ गया, यहाँ पे आपको टीवी यूनिट लगाए गए, वहां पे आपकी वार्डरोब आ रही है, ब्यूटीफुल सा शैंडेलियर है। सीलिंग हाइट आप देख लो, प्रॉपर 10 फीट की सीलिंग हाइट है, प्रॉपर स्लैब टू स्लैब की बात ही, प्रॉपर 10 फीट की सीलिंग हाइट है। स्लैब टू स्लैब जब जाते हैं आप तो अच्छा खासा आपको सीलिंग हाइट घट जाती है। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जा रही है, ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि बाहर से जो आपकी बिल्डिंग दिखने वाली है प्रीमियम ग्लास फसाड की बिल्डिंग दिखने वाली है, और यहाँ पे जो इसकी क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। साउंड बाहर की साउंड को अंदर 80-90% या 70-80% नहीं आने देती है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हो। अब मैं दिखाता हूं आपका फोर्थ बेडरूम, प्लीज कम।
पहले आपको मैं दिखाता हूं, फिर इस सेक्शन में आता हूं। जस्ट हैव अ लुक, दिस इज योर बेडरूम, जहां पे आपको किंग साइज की बेड, वहां पे आप देख सकते हैं दो चेयर, एक सेंटर टेबल, ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया। इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे आ रही है आपकी टीवी यूनिट्स, टेलीविजन लगा सकते हो, ठीक है। स्टोरेज काइंड ऑफ बनाया गया है। ये है आपका बेडरूम, फोर्थ बेडरूम, इसको आप बना सकते हो मास्टर बेडरूम, ठीक है। मेरे सीरियल नंबर की साइज में फोर्थ आता है, इसकी साइज में आपको स्क्रीन पे दूंगा। इसके साथ आपको मिलने वाली है अटैच बालकनी, तो प्लीज कम अगेन। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो क्वालिटी वाइज है, क्या होता है ना कि आप समझो, सोना और पीतल में कोई फर्क नहीं है। अगर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो दोनों पीली दिखने वाली है, बट आप उसको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा सोना कौन है और पीतल कौन है। तो सेम मैं इसके रिगार्डिंग बोलना चाहूंगा कि ये क्वालिटी वाइज बहुत प्रभावित किया है मेरे को। आप प्लीज आके एक बार विजिट करिएगा, मैं मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा देखने में। और ये है आपकी फोर्थ बेडरूम के साथ अटैच बालकनी, ऊपर से इनक्लोज, तो प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहा है टफन ग्लास, दोनों साइड से लैमिनेटेड, प्रीमियम आपको बाहर से एलिवेशन दिखने वाला है। ऑलरेडी ये कैसा है कि प्रॉपर आपकी फुल लेंथ में आपकी ग्लासेस लगाए गए हैं, तो ऑलरेडी आपकी एक प्रीमियम बिल्डिंग की फीलिंग आने वाली है, कमर्शियल बिल्डिंग के जैसी। अब आइए, अब मैं दिखाता हूं इस फोर्थ बेडरूम के अगले भाग में। तो आप जैसे यहां पे आ रहे हैं, यहां पे आपको मिल रहे हैं, आपने ऑलरेडी वार्डरोब देखा था वहां पे, देखिए यहां पे आपको वार्डरोब बना दिया गया है, ठीक है, वो वार्डरोब हो गई आपकी। ये है आपका वॉकिंग क्लोजेट, आप इसको वार्डरोब बना सकते हो, वॉकिंग क्लोजेट बना सकते हो, क्योंकि ये आपके वॉशरूम के पास में आ रही है, ठीक है। और स्पेस की बात करूं, साइज बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको दी गई 5.9 टू 6.5 की साइज है, सिर्फ और सिर्फ आपके, आप समझ लो वार्डरोब के लिए या वॉकिंग क्लोजेट के लिए। स्पेस देखो कितना अच्छा खासा है, नीचे भी आप अगर वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और ये है आपके अटैच वॉशरूम, प्लीज कम। आप जस्ट वीडियो के माध्यम से देखो, आपका ये शावर सेक्शन, सारी फिटिंग्स आपकी आ रही है ग्लोबल ब्रांड की। ये आपकी कमोड अमेरिकन स्टैंडर्ड का, ये आ रहा है आपका वॉश मशीन अमेरिकन स्टैंडर्ड का, नीचे आपको एक स्लैब आ गया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। और दिस इज योर मास्टर वॉशरूम, साइज स्क्रीन पे दे दूंगा। ये है 4 BHK अपार्टमेंट, 1550 square feet, सिर्फ 1,72,00,000 रुपए, मात्र 1,72,00,000 रुपए में, 1.72 लाख रुपीज में आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं पुणे में और वाकर में। वाकर एक बहुत ही, आप ऐसा समझ लो कि मोस्ट सर्चेबल लोकेशन है या मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन है, क्योंकि इंजोरी नज़दीक है, आईटी वाले लोग वहाँ पे काफ़ी हैं, तो यहाँ पे रहना प्रेफर करते हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अगर आप खराड़ी रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, या आप कहीं पे भी जाना चाहते हो, सिटी से कनेक्ट होना चाहते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सारे हॉस्पिटल्स यहाँ पे हैं, सारे स्कूल्स यहाँ पे हैं, तो हर चीज़ है यहाँ पे, बेसिक नेसेसिटी जो होती है एक आम इंसान की, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और एक डेवलप्ड लोकेशन है, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड लोकेशन है वाकई। स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिए गए हैं, प्लीज जाइए, कॉल करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।